अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो भाई आज का व्लॉग हमने आज शुरू किया और अभी बज रहे हैं तकरीबन साढ़े दस बज रहे हैं। और भाई मौसम तो आज बहुत अच्छा है और आज फैजान पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह मुर्गी लेके आ गया, तो देखते हैं अब क्या है। कहाँ से लाया यार, ये बनने की है, उसने लखवाई है लेकिन समय में मकनी हो गई है। उसने तो बनाई है, तुम्हारे पास मुर्गी आया ना अच्छा वाला, उसके बाद लगा मुझे इससे बच्चे दो, मैं तो मुर्गी लूँगा मेरी हो गई। तो सुबह सुबह मैं मुर्गी लेके आ गए और अपने ऊपर चेक करता है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे मुर्गी की हालत देख लो कैसे एक्टिव हो गया है, हमारी मुर्गी की अभी हालत देख लो कैसी हो गई है। एक उतार इसको भाई, मैंने बांध के रखा हूँ, आने पर क्या ही मुर्गी है भाई, अभी तो लड़ाई भी होगी, अभी तो देखने में होगी लड़ाई भी आई हुई, अभी देखना किराए पर सभी बाकी है, रुको सबर करो, किराए पर सभी बाकी है। अच्छा बांध रहा है ना यार, तो ना देख ना भाग रही है, देखो अभी जैसा कि आपको हमने आपको बता रहा कि हमारा बच्चों का मिशन जारी है, तो माशाल्लाह हमारे घर में भी बहुत सारे अंडे जमा हुए हैं और अभी भी हमारी मुर्गियों ने अंडे दे दिए। कितने दिए? दो 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 दे रही है, तो फाइनली इंशाल्लाह बहुत देर में दोनों मुर्गियों को हमारी अंडों में बिठा देंगे, उनसे जब इसका टाइम आएगा तब उसको बिठा देंगे अंडों में। फिलहाल ये मुर्गी की फर्क देखो यार, बड़ा बेहतर है, कैसा है क्यों बढ़ गया है, दिन आ गया मेरा चुप में। एक मुर्गी लाए है ना, तो एक मुर्गी जा भी नहीं है हमारे पास से, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने मंडे से हूँ मैंने थोड़े अभी इनको हमका इनको देखना है, इनको अभी उठा गया है हमारा मुर्गा भाई साहब गया है, वो पे उमनी घर में गया है, मुर्गा गया है उमनी घर में, मुर्गी भी हैरान है, मुर्गी भी परेशान हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ, जैसे अच्छे में आ गई वहाँ पे अकेली नहीं थी, वो तो इसके धूप नहीं है। अब एक साथ रहते भी है कि नहीं रहते, वो तो भाई एक मुर्गे एक दो दिन का लड़ेंगे, कोई से भी नई मुर्गी ले आओ लड़ेंगे, कोई से एक दो दिन लड़ेंगे, ये नहीं रहते थे जैसे साथ घूम रहे। कौन सी मुर्गी को लगा? वो अंदर वाली मुर्गी है लेकिन अभी सोच लो, अभी उसको मैं बाद में बताऊँगा। थोड़ी गंदा दे दिए कहने, थोड़ी सब कुछ हो जाता है, अलवा अलवा थोड़ी है सारा भाई, टाइम लगता है जिम में, अभी तो उसको अपना दोस्त बनाना है, फिर उसको थोड़ा समझाना है, मेरा इतनी तीसरी मीमी है ध्यान रखना, उसको पकड़ के उसको माली वाली से ये समझाना है कि भाई मेरी तीसरी मीमी है, इसका भी ख्याल रखना, और अभी चौथी मीमी भी आएगी इसकी, जरा वो बच्चे बड़े हो जाए ना, इसकी चौथी मीमी भी आ जाएगी। अच्छा इनके मन है क्या क्या शादियाँ कर लेते हैं, अपनी भी नहीं होती। तो भाई इसको सेट होने में तो देर लगेगी, बाकी हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो मुर्गी की आँख वो ख़राब हो गई है ना, वो हम आपको बताते हैं। और फैज़ान ने एक फैसला लिया है कि वो मुर्गी को बोल रहा है कि काट के कहीं मदरसे में दे देते हैं, लेकिन मैं इस अंडे देती है वो फैज़ान अंडे देती है कौन वो वाली मुर्गी भैया, वो अंडे तो नहीं देंगे, लेकिन उसको जो है ना असल में हुआ ये था, तो ये मुर्गा तो भाई साहब मुर्गे के साथ ऐसे लड़ रहा है जैसे मुर्गा हो, मैं ऐसे लड़ रहा था, तो उसने सीधा आँख से हमला किया, निशाने की आँख फोड़ दी, पूरी अंधी हो गई है एक आँख से, तो अभी उसको नजर भी नहीं आ रहा।
तो उसे खाया भी नहीं गया था, तो बेचारी बहुत तकलीफ में है। तो हमने ये सोचा है कि भाई इसको कटवाइए और मदरसे में दे देंगे, दाद इस्लामी वाले को मदरसे में दे देंगे हम। तो हमारे आगे ही है, तो हम वहाँ कटवाएंगे, हम उसको वहाँ दे देंगे। क्या करेंगे भाई, आखिर यही है, तो बेच भी नहीं सकते। और वैसे भी मैंने नैयत भी यही की है, अगर कोई लेने भी आएगा ना, जितने की भी लेगा, तो ऐसे भी हम मदरसे में ही दे देंगे, क्योंकि हमने नैयत कर ली है, तो हम उसको मदरसे में ही दे देंगे। अब इसके पैसे आए या खो दे, दोनों चीज़ें कोई भी आए तो हम मदरसे में ही देंगे, हम अपने जेब में नहीं रखेंगे। हाँ तो भाई ये है, क्योंकि एक बार जो फैसला हमने कर लिया वो फिर कर लिया, आपको भी पता है। बता तो सही, वैसे कैसी है? देख रहे हो ग्रीन कलर लाइन है, पूरा ग्रीन लाइन है। कौन सा हो गया ये, वाइट और ग्रीन हो गया? जैसा कलर लाइन है इसका, देख रहे हो इसका कलर अब आराम आराम से उतर रहा है, वाइट होगा ना। बता को तो देख, बता वैसे मेरे ख्याल से इसका इलाज हो सकता है। आँख नहीं गई भाई, अब क्या इलाज होगा, कोई दूसरी आँख निकाल के लगाएंगे, क्या करेंगे? बता क्या हुआ है भाई, अब क्या होगा, ये वाली आँख में सुननी है ना, ये वाली आँख में सब बंद, इसका कोई इलाज नहीं है। बेचारी को कुछ नजर भी नहीं आ रहा, ऐसे हाथों में इसका लगाया हुआ है, तो बेचारी बहुत तकलीफ में है। तो उसको हम बाजार करवाएंगे, मछली में ले लेंगे भाई, आखिरी यही है। तो खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, देख रहे हो। तो तूने रखा क्यों इनके साथ इसको? भाई मुझे लगा हम कुछ बहुत टाइम हो गया, हम मुझे ये साथ ही छोड़ लेते, इससे भी अड्डे आए ना यार। हाँ मैंने इसलिए रखा था, लेकिन मेरे भाई साहब तो हमको तो नहीं पता था जुनूनी चला लिए। अबे बहुत खतरनाक है। उस दिन भाई हमने ना बटेर वगैरह खोले हुए थे, तो बटेर वहाँ थैली के वहाँ था, तो कुछ हुआ होगा ना, पता नहीं। हम दो फैजान तो आटा बना रहा था और मैं मोबाइल में लगा हुआ था, तो हुआ ये था कि बटेर के ऊपर इसने हमला किया था, चोंच मारी थी। जमीन में ले लिया ना, उन्होंने थोड़ा ही जल्दी जल्दी पानी डाला, इसके ऊपर वो किया, तो थोड़ा घोषणा आया, फिर चलने फिरने लगा। वरना उसमें अगर हम नहीं होते ना, तो ये उन लोगों ने फिर जाएगा फिर माउंट हैरत है भाई मुझे भी, के बच कैसे गया भाई। बहुत फिर भी बहुत वो है कि कैसे बच गया, क्योंकि इसने पूरी गर्दन पे इसके पांव रख दिया था। आपको पता है बटेर कितना होता है, और ये वाला मुर्गा था इसने रखा था, बहुत जालिम है। हाँ लेकिन अभी तो नहीं मारता वो, क्योंकि नहीं मारता, अपने दोस्त हो गया, अब तो मारेगा भी नहीं। अब तो बेचारे ऐसा डिनाय हो गया, देखो अभी ऐसा डिनाय हो गया अभी मेरे पास, कि अभी मेरी सारी बातें मानना है, उसको मैं वहाँ पे भी बोलूँगा, वहाँ भी मेरे पास आएगा, उसको भी मैंने ऐसा कर दिया। ऐसे अभी ना मुझे इस पर डर लगता है, ना ये मेरे से डर लगता है, तो अभी हम दोनों से ना भाइयों की तरह रहते हैं। है ना भाई, है ना माशिरा सब खड़े हैं। तो भाई फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी, नाम मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अब से जो है ना हमारे डेली ब्लॉग आया करेंगे, हम डेली बनाते हैं ब्लॉग, और अब से हम हमारे डेली ब्लॉग ही आया करेंगे। अब ऐसा नहीं है, भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। टिकटॉक पर भी हमने हमारा अकाउंट बनाया, वहाँ पर भी जाओ, उसका भी विजिट करो, और इंस्टाग्राम पर भी हमने बनाया, उसका भी विजिट करो। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। भाई आज के लिए इतना है, बाकी अल्लाह हाफिज़। दो तीन दिनों में हमने एक आज वीडियो भी अपलोड की है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो कौन सी थी, फैजान? हाँ बत्ता हमारी बड़ी हो गई थी, और फैजान की कैट स्टोरी भी थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। अल्लाह हाफिज़।